हेलो गाइस, अभी हम लोग स्टेडियम में हैं और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे पूरा खाली स्टेडियम। राउरकेला में वीर बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला नाम रे नामित होबो एवं हमें गर्व करिवु कि आज हमें राउरकेला रे। तो सुन सकते थे यहाँ पे आज मीडिया भी पहुँच चुका है और हम लोग भी पहुँच चुके हैं। तो चलिए अंदर जा के देखते हैं ये बिरसा मुंडा स्टेडियम अंदर से कैसा दिखता है। फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं और अंदर से नज़ारा कुछ ऐसा है, बहुत ही अल्टीमेट है। आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ सीटिंग अरेंजमेंट कैसे किया गया है। और बोला जाता है ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है जो कि राउरकेला में अभी बनाया गया है। तो इसका फर्स्ट मैच है 13 तारीख को। आप जो भी टिकट किए हैं आके इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। और आज फ्री में एंट्री है तो बहुत कोई भी आ चुके हैं। और आज ही के दिन में यहाँ पे इस स्टेडियम का ओपनिंग हुआ था। नवीन पटनायक जी आए और इस स्टेडियम को ओपनिंग करके गए हैं। और ये शाम का वक्त है तो अभी उतना कोई है नहीं, बट फिर भी काफ़ी अच्छा व्यू देखने के लिए मिल रहा है। ये गार्ड्स वगैरह भी एनी टाइम अवेलेबल है यहाँ पर, क्योंकि अभी स्ट्रीट होने वाला है, अभी टाइम भी नज़दीक आ रहा है ना वर्ल्ड कप का, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट भी है अंदर। व्यू कुछ ऐसा है, देखिए काफ़ी अच्छा है मेरे पीछे। और आज फ्री में एंट्री हो रहा था तो मैं आ गया। और ये जो मैं सीट बैठा हुआ, हम लोग का यही सीट रिजर्व है, तो मैं देख रहा था यहाँ से व्यू कैसा लग रहा है, बट आप देख पा रहे हैं व्यू काफ़ी अच्छा है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। चलो फिर आगे मैं वीडियो बना ले। उतर रहे हैं क्योंकि स्टेडियम का लाइट ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी आदमी लोग अभी जा ही नहीं रहे हैं, तो अभी उन लोग को प्रैक्टिस भी करना है, तो जिसके वजह से स्टेडियम का लाइट ऑफ हो गया है।
और ये देखिए टॉयलेट है यहाँ पे, आप सब चीज़ कॉरिडोर के अंदर, मतलब आपको ये गेट को क्रॉस करके जाना नहीं है। अगर आप टिकट लेते हो, एक बार एंट्री करते हो, तो आपको इसी स्टेडियम के अंदर ही रहना है। आपको यहाँ पर टॉयलेट, बाथरूम, सब चीज़, और यहाँ तक कि खाने पीने के लिए हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर एक बार अगर आप इस गेट से बाहर निकल जाते हो, तो आपको जो टिकट का जो वैल्यू है या वैलिडिटी है, वो ख़त्म हो जाएगा। अगर एक बार टिकट लेकर आप अंदर जाते हो, तो आप 2 या 3 जितना भी मैच देखना चाहते हो, उसी के अंदर रह के आप सब चीज़ देख पाओगे। तो ये चीज़ आप खास करके ध्यान रखिएगा, अगर टिकट लेके जा रहे हो अंदर, तो आप ये गेट आप देख पा रहे हैं, इसी के अंदर ही आपको रहना है। और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, आप देखिए चारों तरफ बहुत अच्छा लाइटिंग वगैरह लगाए दिया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा दिख रहा है रात को भी, आप देखिए। और काफ़ी आदमी आए हुए हैं यहाँ पे, लोग वगैरह देखने के लिए, आप देखिए चारों तरफ। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं वर्ल्ड कप के ऊपर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए गाइस, थैंक यू।